चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार यादव छोटी केतवलिया का ग्राम प्रधान है और पूर्व प्रधान अवधेश यादव के पुत्र अनिकेत यादव का हत्या का अभियुक्त है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि गुरुवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम प्रधान राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव कोनी तिराहे की ओर पक्की सड़क में खड़ा होकर किसी वाहन या व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस की चुंगल से नहीं बच सका। पुलिस ने इनके पास से 32 बोर का एक पिस्टल, 2 कारतूस व 1 खोखा कारतूस 32 बोर का बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया कि पूर्व प्रधान के पुत्र के हत्या में आरोपी 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 1 अभियुक्त को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP शलभ माथुर ने बताया। सर, क्या हुई थी? और पे प्राइज के अंदर एक हत्या हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अनिकेत यादव की। इस संदर्भ के अंदर आज मुख्य अभियुक्त, जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था, राजू यादव, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इस संदर्भ में पूर्व में भी 2 गिरफ्तारी हो चुकी थी। ये हत्या जो है रंजिश के कारण हुई थी। इसके बीच में इन दोनों परिवार के पूर्व में भी रंजिश रही थी। जो राजू यादव आज गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर पूर्व में भी 4 मुकदमे हैं। और आज इनके साथ जो है पिस्टल रिकवर हुई है, जो इनके साथ मौके पर रिकवर हुई है। और साथ ही साथ जो है इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। एक व्यक्ति जो नामजद है अभी, उसमें शेष रह गया, उसके ऊपर भी 50,000 रुपये का इनाम किया गया है और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, क्या उसी गांव के रहने वाले हैं? ये सब जो रंजिश है, ये लगभग 11 साल से, जो अभी तक हम लोग के पास साक्ष्य संकलन है, उस हिसाब से 11 साल से इन लोगों के बीच में ये रंजिश है। एक ही गाँव के रहने वाले हैं और ये रंजिश मूलतः प्रधानी की रंजिश को लेकर चालू हुई थी। इसके अंदर जो मृतक है निकेश, उसके पिता की भी हत्या कुछ समय 2 साल पूर्व की गई थी। इस पक्ष के द्वारा भी अभियोग पंजीकृत था, उस पक्ष के द्वारा भी अभियोग पंजीकृत था, तो ये रंजिश चल रही थी। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। घटना के दिन जो है 16 तारीख को फायरिंग के अंदर जो अनिकेश थे, उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके अंदर ये 4 लोग नामजद थे। जैसा मैंने बताया, 2 पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, 1 आज अरेस्ट हुआ, 1 जो शेष है उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हथियार बरामद हुआ, जैसे मैंने बताया पिस्टल में। इनके ऊपर 307 खोराबार में जो है पुलिस मुठभेड़ का है, 2018 का 302 का अभियोग है, 2016 के 302 और आर्म्स एक्ट के जो है मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। सभी 1 बजे है सर, शेष शीघ्र।